गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुझे अपनी इंसिस्ट करके आपको पता है, जैसे कि आज हम सुरकंठा मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए। यह क्या कहते हैं, मसूरी रोड में सुरकंठा पड़ता है, टिहरी में चंबा से आगे पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है मंदिर। मंदिर के बारे में मैंने सुना है, तो आज मैं देखने आई हूँ यहाँ, तो आप लोगों को भी दिखाया जाएगा। घर से शूट करना भूल गए, आधे रास्ते से हमने शूट करा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा। ये तब के लिए ये बताते रहेगी आपको। आप देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। और आप लोग तो जानते ही हैं, मतलब आप लोग सब तो नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई कोई जानते हैं कि वो कितना दूर है, कितना दूर, मतलब उस पर मतलब कितना चढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी हमने स्टार्ट किया है। मुझे सबसे ये थकाई लगने लगी सोच के। हम सुरकंठा मंदिर जा रहे हैं। मैं बहुत सोचती थी कि मैं कब जाऊँगी, पर इस बार मैं सुरकंठा मंदिर जा रही हूँ। अब बहुत ऊपर टॉप है, मेरा टॉप वाला दिखा दे कितना ऊपर है। जो आप देख सकते हैं वो कितनी ऊपर है, देख सकते हैं। हाँ, ये इतनी ऊपर है। ये मैम लोग चले गए, मुझे तो सोच के ही थकाई लग रही है मैम, इतनी दूर। सो गाइस, आप देख सकते हैं, अब नहीं, अब मतलब हम तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक लग गए, बिकॉज अभी हम उतना चढ़े भी नहीं हैं। पर श्रद्धा शहर आ रखे हैं हम यहाँ। आप लोग भी देखना, पर बहुत चढ़ाई है। हाँ, बस सच्चे मन से जा रहे हैं, तो थकान थोड़ी बहुत लग रही है। थकाई तो लग रही है, पर हमें जाना जरूरी है। थकाई लग रही है, लेकिन जाना जरूरी है। और मैं और कभी नहीं आई सुरकंठा। यात्री आ रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे थे, नीचे से भी आ रहे हैं। मैं सुरकंठा कभी नहीं आई हूँ, आज आई हूँ पहली बार। और एक्चुअली ना, मुझे कुछ विश मांगनी है, इसलिए मैं आई हूँ। मुझे ना, मतलब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है यहाँ, सच में। जय माता दी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत सहज। और यहाँ ना धूप नहीं है, सबसे अच्छी बात है यहाँ धूप नहीं है। धूप से बहुत ज़्यादा मतलब यू नो इरिटेशन, गर्मी समथिंग समथिंग सब कुछ होता है। ये देख सकते हैं, हमारी मैम है, थोड़ा चंचल है बट अच्छी है। आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग मतलब देख सकते हैं आप अच्छी तरह। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये ट्रॉली लगी हुई है, जो मतलब जिनको जो चढ़ नहीं सकते, जिनको बहुत ज्यादा लेकिन फिर भी उनके लिए ये है। वैसे इतनी ऊंचाई से उनको डर नहीं लगता होगा, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाऊँ। हम इतने ऊपर आ चुके हैं, तो व्यू है उधर, देखिए। ओह, अभी हमें बहुत 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 ज़्यादा ऊपर जाना है। ये देखिए, देख सकते हैं मैम बहुत थक चुकी हैं और बैठ भी गई हैं, और अभी इन्हें पता नहीं है कि कितनी दूर जाना है। देख सकते हैं कि मतलब हम अब पहुँचने वाले हैं सुरकंठा मंदिर, थोड़ा सा बचा हुआ है बस, थोड़ा दिखा दे इधर इस साइड से, बस थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ही है। ये देख सकते हैं आप यहाँ का कितना अच्छा व्यू है इनका। थक गए ना आप? मैम को बहुत ज़्यादा थक लग गई है, मुझे भी लग गई है बहुत ज़्यादा। ये ला उधर से वाली वीडियो बना दे। सो हम पहुँच गए, बस थोड़ा सा बच रखा है। उतनी भी थकाई नहीं लगी हमको जितने हमने सोच रखी थी। वैसे
सकते हैं आप, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तेरा जागर मनानी लोला मेरी मसेरी राता भजन गोला राता हो जागर लोला सेरी राता हो देख सकते हैं ये गेट है मतलब, ठीक है अब हम इसको बजाएंगे, बजाने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार ना, आगे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है यहाँ, सब लोग आए हैं, हम सबको लाइन में ही लगना पड़ेगा। मैम आपका कॉल आ रहा है, ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भयंकर ये मंदिर है। गाइस लाइन तो ख़त्म हो गई है, देख आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैम भी लाइन पे लगी हुई है हमारी। अंदर का भी दिखाऊंगी सब कुछ कि अंदर क्या है कैसे। सो गाइस फाइनली हम अंदर आ गए, ये अंदर मतलब ये सब कुछ है, कितना सुंदर है सब कुछ, मतलब आप देख सकते हैं। और एक गेट है, दे मैम नारियल पानी पी रही है। मैम मुझे भी दे दो, मेरे लिए थोड़ा रख दो। टेस्टी हो रहा ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैंने मन्नत मांगी है, थैंक यू। ठंडा मंदिर के बारे में जानने वाला मंदिर है, तो मैंने भी मन्नत मांगी। अगर मेरी मन्नत
घट ले जा जस काजू दाल मैया सब पर लगे जा भजन गोला राता हो जागर लोला सेरी राता फोटो खींची पता सूजी ये जाने माने ही है ये कितना अच्छा है ना देखो व्यू जाने लग गए हैं ये हम सुकंठ का मंदिर ऊपर दिख रहा है टॉप में हम जा रहे हैं मतलब हम जा रहे हैं नीचे को जा रहे हैं तो सूजी आप अभी वीडियो नहीं बना रही थोड़े देर के लिए इमोशनल हो गई है उसको उसे कुछ याद आ गया तो जा रहे हैं ये देखो वहाँ पे हमने अपने शूज रखे हुए हैं सूजी को क्या हुआ सूजी से पूछो सूजी क्या हुआ सर में दर्द हो रहा बुखार है सर दर्द होने लग गया उसका सर दर्द हो रहा है उसका और यहाँ शूज रखे हुए अब हम शूज हम जा रहे हैं यार हम लोग बहुत स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि डाउन है बहुत डाउन है और सॉरी एंड सॉरी मैंने सुरकंठा का मंदिर के अंदर मैं मूर्ति नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था तो दूर से ही फोटो खींची है जितना भी बने हैं तो आप लोग देखना सो कमेंट करना लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग जैसे और ब्लॉगर आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं भी बढ़ूँ तो आप लोग मैं मेहनत करूँगी तो आप लोग भी देखोगे आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कहाँ से कहाँ कौन सी वीडियोज अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को सब चीज़ दिखाया जाएगा जब से मैं गढ़वाल आई हूँ गढ़वाल जब तक हूँ तब तक वीडियो बनाते रहूँगी कुमाऊँ में भी जाऊँगी कुमाऊँ जाऊँगी तब भी वीडियो बनाऊंगी सो सो मैं दौड़ दौड़ के आ रही हूँ और सूजी लोग आ रहे हैं मजा आया ना बस सूजी सूजी बहुत मजा आया ना गाइस सो बहुत अच्छा लगा हमें सुरकंठा का मंदिर आके अगर मेरी विश पूरी हो गई तो हम दोबारा यहाँ शो आएंगे तब दिखाएंगे आपको यहाँ का व्यू अभी तो हम ये मेरा पहली बार ही देखा हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा है सुरकंठा का मंदिर मुझे रोना तक आ गया था मैंने मंदिर पे अपना मत्था टेका मुझे रोना आ गया था पता है आपको सो गाइस मैंने देख लिया देखिए मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी आंसू आते बच गए आंसू आते आते मैंने कंट्रोल किया मैंने बोला कोई मुझे देखना नहीं बट अगर सुरकंठा मंदिर इतना फेमस है और रहेगा तो मेरी विश भी पूरी होगी तो मैं यहाँ आप लोगों को जब मेरी विश पूरी होगी मैं तब यहाँ आऊँगी तो आप लोग तब भी मैं एक ब्लॉग भी बनाऊँगी तो अभी आपको दिखाते जाते हैं मस्ती भी करते जाते हैं हम आ गए हैं इस गेट पे जहाँ से हमें स्टार्ट की थी मतलब अब हम जा रहे हैं
मतलब आ गए हैं हम रोड पे, मतलब सड़क पे जाने ही वाले हैं। सो गाइस हम आज यहीं पे अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। जैसे कि ये देखो गेट दिखा, गेट दिखा, जाना माना है। और आप लोग भी यहाँ दर्शन करने आए, बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ से क्या कहते हैं अब मनोकामना पूरी होती है, बहुत जाना माना है। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग भी आइए, यहाँ बहुत अच्छा है। तो यहीं ब्लॉग ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। दुख तो हमेशा ज़िंदगी में रहता है, तो अपने को खुश रखने की कोशिश करें। आप लोग अपने लिए बहुत बड़े अहमियत रखते हैं, तो आप लोग भी अपने आप को ये मत सोचा करो कि हमारी लाइफ